भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने स्कूली छात्र को राहत दी। आधार नहीं होने पर अभिभावक अपने बच्चों के दाखिले के लिए परेशान रहते थे, लेकिन UIDAI ने इस परेशानी को खत्म कर दिया। अब निर्देश जारी किए गए कि कोई भी स्कूल बच्चों के दाखिले के लिए आधार को अनिवार्य नहीं कर सकता। UIDAI ने कहा कि जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें कोई भी स्कूल एडमिशन देने या अन्य सुविधाएं देने से मना नहीं कर सकता। UIDAI ने यह भी कहा कि स्कूल की जिम्मेदारी है कि अपने छात्र छात्राओं के लिए आधार पंजीकरण और उनको अपडेट करवाने की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। UIDAI ने स्कूलों को चेतावनी दी कि जिन बच्चों के पास आधार नहीं है और अगर कोई स्कूल बच्चे के दाखिले से इनकार करता है तो उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि कानून इसकी अनुमति नहीं देता। UIDAI ने स्कूलों से स्थानीय बैंकों, पोस्ट ऑफिस, राज्य शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के साथ तालमेल बैठाकर अपने परिसर में आधार नामांकन और उसके अपडेशन के लिए आधार एनरोलमेंट और उसके अपडेशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट से लेकर कई अन्य सेवाओं को आधार से लिंक करवाना जरूरी है। ऐसे में UIDAI समय समय पर लोगों की आशंकाओं को लेकर जागरूक करता रहा है। इसी महीने आधार अथॉरिटी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन की सुविधा लेकर आ रही है। माना जा रहा है कि इस नई सुविधा को ऑथेंटिकेशन के लिए अनिवार्य किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।